YouTube के माध्यम से हिट एंड फिट द फूड चैनल की तरफ से आप सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, यह ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और ये कुम्हार की उस माटी की तरह हैं जिसे हम जो शेप देना चाहते हैं वह उस शेप में ढल जाते हैं। तो प्लीज हमें इन्हें सही दिशा देनी होगी जिससे इनका भविष्य उज्जवल बन सके। इन्हें हमें सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी जिससे ये बिना डरे आगे बढ़ सकें। मुझे पता है इस स्पेशल डे पर सारे बच्चे अपनी मनपसंद रेसिपीज का इंतजार कर रहे होंगे, तो आज हमने हमारे चैनल पर ऐसी दो रेसिपी शेयर की हैं जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली हैं। आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज आप इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ देखें। जब आप ये रेसिपीज बनाएं तो प्लीज इन्हें अपने साथ शामिल जरूर करें। आज हम सिखाने जा रहे हैं अमचूर पाउडर की झटपट बनने वाली खट्टी मीठी चटनी, खाने में बहुत ही लाजवाब। यह अमचूर पाउडर की खट्टी मीठी चटनी आपको बहुत सारी रेसिपीज में काम आने वाली है। अमचूर पाउडर से बनने वाली खट्टी मीठी चटनी के एक बार मेन इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, अमचूर पाउडर लिया है और पानी लिया है। अमचूर पाउडर की खट्टी मीठी चटनी के लिए अदर इंग्रेडिएंट्स एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने छुआरों को धोकर पीसेस में काट लिया है, सौंफ लिए हैं, काला नमक लिया है, सेंधा नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है और किशमिश को भी धोकर ले लिया और यहाँ पर हींग पाउडर लिया है। अमचूर पाउडर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले इंडक्शन को ऑन कर देंगे। कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें पानी डाल देंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। पानी हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है, अब इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। और इसको भी अब कंटिन्यू चलाएंगे, इसमें मिक्स करेंगे। हमें तब तक कंटिन्यू चलाते रहना जब तक ये गुड़ इसमें मेल्ट नहीं हो जाता अच्छी तरह से और चटनी में अच्छा खासा बॉयल नहीं आ जाता। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। अब इसमें हम पानी थोड़ा और डाल देंगे क्योंकि हमें गाढ़ी लग रही है थोड़ी सी। चटनी को आपको कितना लूज रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको और घुमाएंगे, उबलने देंगे अच्छी तरह से, बॉयल आने देंगे इस चटनी में। कंटिन्यू चलाते रहेंगे नहीं तो ये तले में लग जाएगी। हमारी चटनी उबलने लग गई है, इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम किशमिश डाल देंगे। ये जो हमने किशमिश ली थी ये डाल देंगे इसमें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम अब कटे हुए छुआरे डाल देंगे। छुआरे हमने इसमें डाल दिए, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। किशमिश और छुआरे दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे और किशमिश भी फूल जाएगी इसमें। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट बन जाती है। अब इसमें हम ये मसाले भी डाल देंगे एक एक करके। वैसे तो हम हमारे चैनल पर 3 प्रकार की व्रत वाली चटनियाँ सिखा चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना झटपट बनने वाली अमचूर की खट्टी मीठी चटनी भी आपको सिखा दूँ। अब इसमें हम सौंफ भी डाल देंगे, इसको भी कंटिन्यू चलाएंगे। अब इसमें हम हींग पाउडर भी डाल देंगे, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी हींग बहुत अच्छी होती है। इसको भी कंटिन्यू चलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन सबको।
अब इस चटनी में हम काला नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम सेंधा नमक भी डाल देंगे, ये भी हेल्दी ऑप्शन है बहुत। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। अब इसमें हम रेड चिली पाउडर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता लेकिन कलर अच्छा आता है इसका। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। हमारी चटनी में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है और काफ़ी थिक भी हो चुकी है जैसी हमें चाहिए, और ठंडी करने के बाद भी ये थिक हो जाएगी। तो अब बस ये बनकर रेडी है। बहुत झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इंडक्शन को ऑफ कर देंगे और इस चटनी को ठंडा होने देंगे। आज हम आप सबको सिखाने जा रहे हैं हेल्दी व टेस्टी चाट। आप सब सोच रहे होंगे चाट वह भी हेल्दी, क्यों नहीं। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सबको हेल्दी व टेस्टी रेसिपी सिखाना है। आप आज देखेंगे कि चाट को भी हम कैसे हेल्दी व टेस्टी बना सकते हैं। हेल्दी व टेस्टी चाट के लिए हमने मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से लिए हैं एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैंने काले देसी चने लिए हैं और कच्ची मूंगफली की गिरी ली है। इनको साफ कर लिया मैंने अच्छी तरह से, और अब दो तीन पानी में से धोकर और उसको ओवरनाइट हम सोक करके रख देंगे। हेल्दी व टेस्टी चाट के लिए हमने चनों को यहाँ पर ओवरनाइट भिगो दिया था और मूंगफली गिरी को भी भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से भीग चुकी हैं, हमें ऐसे ही चाहिए थे चने और मूंगफली भीगे हुए। अब इनको हम कुकर में बॉईल कर लेंगे। हमारी अमचूर पाउडर की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है। ये ठंडी हो चुकी है, आप इसे 2 महीने तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने से पहले प्लीज़ आप इसे एयरटाइट जार में फिल कर दें। हमारी हेल्दी व टेस्टी चाट के लिए काले चने मूंगफली गिरी बॉयल होकर रेडी है। आप इसे प्लीज़ 3 विसल आने तक कुकर में बॉयल करें। हमारी हेल्दी व टेस्टी चाट के अदर इंग्रेडिएंट्स भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैंने अनार दाने लिए, रोस्टेड अलसी के बीज लिए, हरी चटनी ली है, और यहाँ पर खट्टी मीठी अमचूर की चटनी जो हमने बनाई थी वो ले ली है, और यहाँ पर तिल को भी मैंने रोस्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने शकरकंदी को बॉईल कर छील के पीसेस में कट कर लिया है। हम हेल्दी व टेस्टी चाट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल ले लेंगे। उसमें जो ये बॉईल किए हुए काले चने वो डाल देंगे इसमें धीरे धीरे करके। अब इसमें हम ये मूंगफली गिरी भी डाल देंगे जो बॉईल किए हमने। अब हम मूंगफली गिरी और काले चने को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बॉईल की हुई शक्करकंदी भी डाल देंगे। ये हेल्दी ऑप्शन है, अभी ठंड भी है तो प्लीज़ आप इसी को यूज़ करें। पटेटोज तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, पर ये चाट में डालें तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बच्चों को भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब इस चाट में हम अनार के दाने भी डाल देंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख देंगे, और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल हल्के हाथ से आप मिक्स करें इसको। अब इस चाट में हम ये रोस्टेड तिल भी डाल देंगे, सर्दी का मौसम है, तिल भी बहुत फायदा करेंगे हमें। इसमें हम रोस्टेड अलसी भी डाल देंगे। आप ये सब चाट में डाल के देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी ये चाट। सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्दी डाल दें तो अपने आप ही चाट अपनी हेल्दी बनेगी, टेस्टी तो है ही। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इस चाट में हम हरी चटनी डाल देंगे। अगर इसकी विधि भी चाहिए तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी हम चटनियां सिखा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अमचूर की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। ये भी बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है चाट। अब हम इन दोनों चटनियों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चाट में, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
अब हम इस हेल्दी व टेस्टी चाट में भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, हर चाट में ये तो जरूर डलता ही है। अब इस चाट में हम सेंधा नमक डाल देंगे, आप ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसमें काला नमक भी डाल देंगे, ये भी बहुत हेल्दी होता है। अब हम इस चाट में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये तीखा नहीं होता लेकिन कलर अच्छा देता है, क्योंकि ये चाट पूरा परिवार खाएगा, उसके साथ बच्चे भी रहेंगे हमारे खाने वाले, तो उनको हेल्दी देना है हमें सब कुछ। अब हम इस चाट को मिक्स कर देंगे ताकि इसमें मसाले जो डाले थे वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमारी हेल्दी व टेस्टी चाट बनकर रेडी है, इसे अब हम सर्व करेंगे। हमारी दोनों हेल्दी व टेस्टी रेसिपीज बनकर तैयार हैं, हमने इन्हें इस तरह से सर्व किया है, आप अपने हिसाब से इन्हें सर्व कर सकते हैं। हमारी हेल्दी व टेस्टी चाट में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्दी डाले, आप इसे प्लीज बनाइएगा जरूर, आपके पूरे परिवार को ये पसंद आने वाली है। अगर आप लोगों को हमारी ये दोनों रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज इन्हें लाइक करें व इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें व आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, तो प्लीज कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें।